हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र के दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं। बच्चों आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण, औद्योगिकरण जब बच्चे समझ रहे हैं उद्योग धंधे जो होते हैं, औद्योगिकरण में सहायक दशाओं की जो है विवेचना कीजिए, अथवा औद्योगिकरण में वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है, हम लोग उत्तर देखेंगे, हिडन डालेंगे सबसे पहले हम लोग औद्योगिकरण में सहायक दशाएं अथवा औद्योगिकरण के कारण। देखो जो प्रत्येक समाज में औद्योगिकरण एक समान गति से नहीं हुआ है, प्रत्येक समाज में औद्योगिकरण एक समान गति से नहीं हुआ है। वास्तव में कहां पर कितना औद्योगिकरण हो सकता है, वास्तव में कहां पर कितना औद्योगिकरण हो सकता है, इस बात का निर्णय सामान्यतः निम्नलिखित बातों के आधार पर होता है। बच्चों तो आइए देखते हैं, हिडन डालेंगे हम लोग। नंबर एक देखो, निम्नलिखित आ गया है, जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना है। देखो, जनता में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने से आविष्कारों को जन्म दिया जाएगा, आविष्कारों को जो है जन्म दिया जाएगा। उन आविष्कारों का जन्म हो जाने से औद्योगिकरण की प्रक्रिया में प्रगति होगी। बच्चों भाई, जब उद्योग धंधे हो जाएंगे तो औद्योगिकरण की में क्या हो जाएगी, प्रक्रिया में प्रगति होगी। और औद्योगिकरण के कारण बच्चों कल कारखानों का विकास होगा, जो कारखाने वगैरह है उनका विकास होगा। इस प्रकार जनता में विज्ञान के प्रति अनुराग उत्पन्न होना ही औद्योगिकरण का प्रथम क्या है बच्चों, प्रथम सीढ़ी है। अब देखो दूसरी हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, प्राकृतिक साधनों की जो है प्रचुरता। देखो, औद्योगिकरण के कार्य में लोहा हो गया, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया आदि की आवश्यकता पड़ती है। जो ये सब क्या है, प्राकृतिक साधन है, लोहा हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया आदि की आवश्यकता पड़ती है। जिन स्थानों पर ये प्राकृतिक साधन खनिज पदार्थों के रूप में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उन स्थानों पर बच्चों, उन स्थानों पर जो है बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो जाते हैं। इन कारखानों की स्थापना से औद्योगिकरण क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। आगे देखेंगे बच्चों, देखो प्राकृतिक साधन ही किसी देश में औद्योगिकरण की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं, है कि नहीं। और इनके अभाव में औद्योगिकरण की जो है गति अवरुद्ध होती है, यानी जो है रुकावट आ जाती है। तो इनका जो है बच्चों प्राकृतिक जो साधन है इनका होना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे, देखो अगली हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, नागरिकों में जागरूकता, जो नागरिक है उनको जागरूक करना है। बच्चों देखिए, आइए इस हेडिंग में देखो, प्राकृतिक साधनों के उपलब्ध हो जाने से, जो प्राकृतिक साधन है उपलब्ध हो जाने से ही औद्योगिकरण की जो है प्रक्रिया आरंभ नहीं होती। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब जबकि नागरिकों में ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने तथा विज्ञान का प्रयोग ग्रहण करने की क्षमता होगी। यदि लोगों में विज्ञान के आविष्कारों का स्वागत करने की क्षमता है तो औद्योगिकरण का जो है विकास होगा, अन्यथा सब साधनों के होते हुए भी जनता में क्षमता के अभाव के कारण औद्योगिकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और नागरिकों में बच्चों जागरूकता प्राचीन अंधविश्वास, जो अंधविश्वास वगैरह है, प्राचीन अंधविश्वासों एवं परंपराओं को जो कि औद्योगिकरण विकास में क्या है, बाधक है, और दूर करने भी सहायक है, दूर करने के लिए भी सहायक है। अब हम लोग देखेंगे चौथी हेडिंग है क्या है, राष्ट्रीय आय का सदुपयोग। राष्ट्रीय आय देखेंगे हम लोग, देखो राष्ट्रीय आय का सदुपयोग करने की नीति का पालन करने से भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। यदि राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कुछ सामग्री जुटाने में ही व्यय कर दिया जाए तो औद्योगिकरण का विकास क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि अतः औद्योगिकरण की जो है प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि करके उसका जो है सदुपयोग करना चाहिए। अगली हेडिंग देखेंगे हम लोग, अगली हेडिंग हम डालेंगे पांचवा नंबर बच्चों, सरकार का जो है व्यापक दृष्टिकोण, सरकार का जो है व्यापक दृष्टिकोण। देखो सरकार का जो दृष्टिकोण भी औद्योगिकरण विकास का एक प्रभावक तत्व है। यदि किसी देश की सरकार उद्योग धंधों का विकास करने की प्रवृत्ति की ओर झुकी हुई है तो औद्योगिकरण की जो है प्रक्रिया का विकास होगा। जिस देश की सरकार बच्चों यानी जो है
कह रहा है कि जिस देश की सरकार का दृष्टिकोण व्यापक होगा और विचारों में गतिशीलता होगी, उसकी सरकार राष्ट्रीय आय की वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाएगी और उन योजनाओं के परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण का क्या होगा बच्चों, विकास होगा। यही है सरकार का जो है व्यापक दृष्टिकोण। अब हम लोग छठी हेडिंग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुविधा। अगली हेडिंग है छठा नंबर की अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुविधा। देखो विदेशों से, जो विदेश को वगैरह के हैं, विदेशों से स्थान का संपर्क बढ़ जाने से, विदेशों से स्थान का संपर्क बढ़ जाने से भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। जिस स्थान या राष्ट्र का विदेशों से जितना अधिक संपर्क होगा, जितना अधिक विदेशों संपर्क होगा और उतना ही अधिक उस राष्ट्र में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया होगी बच्चों, यानी जो है जितना ही ज्यादा संपर्क रहेगा उतनी जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया क्या होगी। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यापकता के कारण, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों किसे कहते हैं, यानी एक दूसरे दूसरे देशों से व्यापार होना अंतर्राष्ट्रीय, यानी अन्य देशों से व्यापार होना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यापकता के कारण ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देता है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट जो हेडिंग जो है जनसंख्या का जो है उचित घनत्व। बच्चों देखो जिन स्थानों पर जो है जनसंख्या और आर्थिक साधनों में अनुपात का संतुलन बना रहता है, उन स्थानों पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है ठीक प्रकार से क्या होती है, चलती है। तो ये बच्चों है जनसंख्या का उचित घनत्व।